हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे वीडियो के टाइटल को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। तो हैप्पी होली इन एडवांस। होली आनंद भरा रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन ये रंग हमारे स्किन, नेल्स और हेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि रंग में हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं। इससे स्किन में पिंपल्स, रेसेस और जलन होना शुरू हो जाता है। अपनी स्किन, हेयर्स और नेल्स को होली के रंगों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ प्री होली स्टेप्स और पोस्ट होली स्टेप, ताकि आप टेंशन फ्री होकर खुलकर होली को एंजॉय कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। बाहर होली खेलने जाने से पहले अपनी स्किन, नेल्स और हेयर को 15 मिनट पहले प्रिपेयर कर लें। इसके लिए आप या तो नारियल तेल या सरसों तेल या वैसलीन यूज करते हैं। इससे स्किन जो होती है चिपचिपी दिखती है। अगर आपको चिपचिपापन पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अपने फेस पर मॉइस्चराइजर जरूर से जरूर यूज करें। हम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर मेन और वुमेन दोनों के लिए है। मैं का 9 to 5 मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, जो ग्रीन टी के साथ आता है। ये स्किन पर एक सेफ्टी लेयर बनाएगा, स्किन को ऑयली किए बिना आपके स्किन पर कलर को चिपकने नहीं देगा। पूरे बॉडी पर डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन यूज करें। ये आपके स्किन को बिल्कुल चिपचिपा नहीं करेगा। ये 15 मिनट पहले लगाएं बाहर जाने से। पैरासूट एडवांस डीप नरिश बॉडी लोशन का यूज करें। दूसरा है वैसलीन इंटेंसिव केयर डीप मॉइस्चर बॉडी लोशन का यूज कर सकते हैं। होली की वजह से हम लोग घर से बाहर बहुत देर तक रहते हैं, जिससे सन की किरणें हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। इसके लिए आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना लोटस हर्बल का सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप लैक्मे का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मेट जेल यूज कर सकते हैं। इसका SPF 50 सन की हार्मफुल किरणों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जितना भी प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये सारे प्रोडक्ट मेन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आई के नीचे का जो स्किन होता है वो भी काफ़ी कोमल होता है, उसके लिए आप आई के नीचे अंडर आईज में वैसलीन का यूज करें। रंग होठों पर भी चिपक जाता है, इसके लिए आप कोई अच्छा लिप बाम लगाएं। रंग जो होता है हमारे नेल्स को भी हार्म करता है, इसके लिए आप कोई गाढ़ा कलर का, डार्क कलर का नेल पॉलिश लगाएं पूरे नेल्स पर। इन सब के अलावा अपने पूरी बॉडी को कवर करने के लिए फुल स्लीव वाले क्लॉथ को पहने और आंख में सनग्लास लगाना न भूलें। होली खेलने जाने के पहले अपने बाल में ऑयल लगाना न भूलें। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके हेयर जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, यानी झड़ने लगेंगे और ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई सा भी कंडीशनर लगाओगे तो बाल आपके सही नहीं होंगे। इसके लिए आप पल्मर्स का कोकोनट ऑयल यूज करें। ये बालों को ड्राई होने से बचाएगा, साथ ही कलर से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। होली खेलने के बाद जब आप कलरफुल होकर लौटोगे तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्लींजर से अपने फेस को वॉश करें। निस फ्री का क्लींजर यूज कर सकते हैं। इसका गाढ़ा झाग पोर्स के अंदर तक जाकर इसे क्लीन करेगा। अगर रंग ज़्यादा जिद्दी हो तो आप स्क्रब लगाएं, क्योंकि यह पोर्स के डेड सेल्स को ही नहीं रिमूव करता बल्कि यह आपके जिद्दी दागों को भी निकालता है। टीका बायो पपाया स्क्रब यूज करें। इसमें पपाया है जो स्किन को इरीटेट किए बिना डीपली क्लीन करता है। यूथ का वॉलनट स्क्रब यूज। इसके अंदर अखरोट है जो पोर्स की गहराइयों में जाकर क्लीन करता है। इन सब के अलावा रंग को निकालने के लिए आप मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आप मिशेलर वाटर को यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन की नमी को बरकरार रखकर आपके स्किन से कलर्स को हटा देगा। होली में बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहने की वजह से सनस्क्रीन भी हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, हल्की सी स्किन काली हो जाती है। इसके लिए आप D10 पैक यूज करें। ये आपके स्किन की खोई हुई रंगत को वापस ले आएगा और आपके स्किन में इंस्टेंट ग्लो देगा। आप इसे स्किन पर 3 मिनट तक लगाए रहने दें। इसके बाद आप 3 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लें।
चूली का रंग बॉडी पर भी लग जाता है, इसके लिए आप कोई माइल्ड बॉडी वॉश यूज करें। लूफा की सहायता से पूरे बॉडी पर आप बॉडी वॉश को अप्लाई करें और हल्का सा रगड़ते रगड़ते उसे साफ करें, इससे रंग बाहर आ जाएंगे। अब बालों में कलर लग जाए तो उसे किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश करें, इसके लिए अयूर का शैम्पू यूज करें और हेयर के लेंथ में कंडीशनर लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। बॉडी और फेस पर नमी बरकरार रखने के लिए आप मॉइस्चराइजर लगाएं, जो कि मैं वीडियो के शुरू में बताई हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन सब के बावजूद आपके स्किन में इरिटेशन यानी जलन हो रहा हो, पिंपल्स हो गए हों, रेसेस हो गए हों, तो आप हिमालय का नीम जेल यूज करें। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसका रिव्यू देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।